जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि हमने पेपर रन किस तरह किया। अब हम तीन स्पीड में चला के चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम जीरो चलाएंगे, चेक करेंगे कि हर चीज़ की टाइमिंग प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। उसके बाद हम थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर फुल स्पीड में चलाएंगे ताकि प्रिंटिंग के दौरान जब हम मशीन स्पीड में चलाते हैं तो कोई मसला ना आए। तो किसी भी मसले से बचने के लिए, किसी भी मिस सेटिंग से बचने के लिए हम पहले ही मुख्तलिफ स्पीड पे चला के चेक कर लेते हैं। या आप देख रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है मशीन की, तो हमें इससे पता लगता है कि हमारी जो फीडर सेक्शन की सेटिंग है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। टाइटली हमारा सही काम कर रहा है, सकिंग नोजल सही काम कर रहे हैं, और इसी तरह फीडर सेक्शन में भी देखना होगा हमें कि फीडर सेक्शन हमारा पेपर सही गिर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि फीडर सेक्शन में किस तरह पेपर धरती से आगे गिर रहा है, बिल्कुल गड्ढी बन रही है टायर से भी और हेटले से भी, देख सकते हैं आप। और इसी तरह जब पेपर भरने लगे तो ये डिलीवरी पाइल को हम ऑटो करेंगे ताकि इसमें पेपर भरता जाए तो खुद ब खुद गाड़ी नीचे आती जाए। ये जो पाइल है खुद ब खुद नीचे आती जाएगी। आप देख सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे मशीन की। ये देखें, ये फुल स्पीड हो गई है, कांटा अटक गया हमारी मशीन। देखेंगे आप, ये सारी चीज़ें बड़ी गौर से देख ली है आपने। पेपर देख रहे हैं आप, मिडल सेक्शन से सही जा रहा है और डिलीवरी सेक्शन तक सही आ रहा है। यह हम मुख्तलिफ स्पीडों में चला के चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टाइट जोगर किस तरह मूव कर रहे हैं। ये टाइट जोगर हैं जो पेपर को टाइट से तरतीब से कर रहे हैं। हेटले से भी बराबर है पेपर और साइड से भी। अब आप देख सकते हैं डिलीवरी पाइल ऑटो पर हमने लगाई हुई है और ये ऑटो पर नीचे आ रही है। आप नोट करें ज़रा गौर से, एक चीज़ को बड़ी गौर से नोट करिएगा। अब उसके बाद
हम पेपर को रोकने का तरीका, हम इसको ऑफ करेंगे, ठीक है, और आप देखें पेपर जा रहा है, ये बंद हो गया, ठीक है। अब हम मशीन की स्पीड को स्लो करेंगे, उसके बाद लीवर से मशीन को ऑफ कर देंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इसके आगे का, लर्निंग यूनिट 9 में क्या क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।